मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। वस्तु स्वातंत्र ही जैन दर्शन का प्राण एवं अहिंसा ही सौंदर्य है। वीतरागी अहिंसा, अनेकांतवाद एवं कण कण की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों के सूत्रधार जैन धर्म की कल्याणकारी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाले इस कल्प काल में भगवान ऋषभ से महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने भारतवर्ष की वसुंधरा को पावन किया है और अपने ज्ञान के अथाह भंडार से प्राणी मात्र को धन्य किया है। इन तीर्थंकरों के पथानुगामी वीतरागी संतों ने एक ओर जैन धर्म की शिक्षाओं और वार्ताओं को साहित्य सूत्रिका में बांधकर भववन में भटकते जीवों को शाश्वत सुख का सन्मार्ग दिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर अनेकों गृहस्थ विद्वानों ने श्रावक धर्म में रहकर भी जैन शासन की पावन परंपरा को जीवंत रखा है। ऐसे ही विद्वत अनुयायियों में अविस्मरणीय नाम है पंडित श्री कैलाश चंद्र जी का। यह संभव ही नहीं कि जैन धर्म के अनुयायियों में से कोई ऐसा हो जो पंडित श्री कैलाश चंद्र जी से परिचित न हो। वीतरागी तत्व ज्ञान की प्रभावना के लोकोत्तर उद्देश्य के पंडित जी के स्वप्न का साकार रूप है तीर्थधाम मंगलायतन, जो आज इस स्वप्न को संपूर्ण विश्व में साकार करने हेतु कृत संकल्प एवं प्रयासरत है। जैन धर्म की शिक्षाओं को पोषित करने वाले साधारण से दिखने वाले साधारण होकर भी असाधारण है। उनके भीतर प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य है और धर्म संबंधी अज्ञानता दूर करने की आकांक्षा। तभी तो निस्वार्थ भाव से ये पुण्यात्मा चल पड़े धर्म की राह पर। वर्तमान से भूतकाल में 99 साल पीछे लौटें तो मेरठ जिले के टीकरी ग्राम में पंडित जी ने जन्म लिया। मध्य लोक के जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है अति सुखकार, उसमें भी उत्तर भारत की मिट्टी में है रतन अपार। गांव टीकरी एक छोटा सा हो, गांव टीकरी एक छोटा सा, पिता श्री है मिठन लाल। जन्म दिया भरतो देवी ने एक सलोना चेतन लाल। जन्म दिया भरतो देवी ने एक सलोना। पंडित जी के पिताश्री मिठन लाल जी की सर्राफे की दुकान थी। सब कुछ भली भांति चल रहा था, लेकिन इसे समय का फेर कहें या नियति का चक्र, एकाएक व्यवसाय में भारी हानि होने लगी और स्थिति ये हो गई कि कर्ज के बोझ को उतारने के लिए दुकान आदि बेचनी पड़ी। उस समय पंडित जी की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। आर्थिक परेशानियों में भी पिताजी ने सद्विचार और सत्कर्म का साथ नहीं छोड़ा।
इसकी छाप पंडित जी पर आजीवन रही और है। एक बार मिट्ठन लाल जी के यहाँ श्री भागीरथ वर्णी जैसे त्यागी गण पधारे हुए थे। ठीक उसी समय श्री गंगा प्रसाद जी एवं ब्रह्मचारी मूलचंद जी के परामर्श को शिरोधार्य करते हुए पंडित जी के पिता ने उन्हें मथुरा चौरासी में संचालित विद्यालय में अध्ययन करने भेज दिया। उस समय उनकी आयु सिर्फ 6 साल थी। समय चक्र चलता रहा और फिर पिता मिट्ठन लाल जी ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह संपन्न कराया। पैसे की तंगी के चलते पंडित जी परिवार की खुशियों में नहीं आ पाए। 3 वर्ष तक पंडित जी यहीं मथुरा चौरासी में अध्ययन करते रहे। यह वही गुरुकुल है जहाँ रहकर पंडित जी साहब ने बचपन में अध्ययन किया है। कौन कह सकता था कि बुलंदशहर के नाम से प्रसिद्ध कैलाशचंद जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान बनकर सारे विश्व में सोनगढ़ के संत श्री कांजी स्वामी से प्राप्त ज्ञान समय सार मुखस्वार प्रकाशक के गूढ़ सिद्धांतों को समझकर भारत देश क्या विदेशों में भी जन जन के कंठ में एक एक माह रहकर उतारेंगे। कुछ समय बाद पंडित जी के बड़े भाई का मथुरा आना हुआ और वह लौटते समय उन्हें अपने साथ ले गए। पिताजी की इच्छा थी कि कैलाश चंद्र जी दोबारा मथुरा जाकर अधूरी शिक्षा पूरी करें, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो मथुरा नहीं जाएंगे। नाम रखा कैलाश चंद्र, मानो कैलाश हिमालय हो, अरे हिमालय चरणों की रज, तुम तो एक सिद्धालय हो। पूर्व संस्कारों ने ही कुछ हो, पूर्व संस्कारों ने ही कुछ अद्भुत छवि दिखलाई है। मथुरा चौरासी में आपने धार्मिक शिक्षा पाई है। मथुरा चौरासी में आपने धार्मिक शिक्षा। और फिर आगे की शिक्षा के लिए सहारनपुर के जम्बू विद्यालय में भेज दिया गया। यहां 3 साल ज्ञानार्जन किया और रत्नकरंड श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह धनंजय नाम माला, मोक्ष शास्त्र आदि की सोलापुर बोर्ड परीक्षा में सफलता अर्जित की। विद्या विनय से आती है और जैसे छोटा तिनका धीरे धीरे बहता हुआ समुद्र में जा मिलता है, वैसे ही विद्या बड़े बड़े राजा महाराजा, गुरुजन और साक्षात श्री जिनेंद्र से साक्षात्कार कराती है। शिक्षा के संबंध में उनका मंतव्य बिल्कुल सुस्पष्ट है कि शिक्षा वो है जो जीवन में शांति दे, सुख दे, शाश्वत रूप से अतींद्रिय सुख को प्रदान करे। उस शिक्षा को जो केवल लौकिक साधन जुटाए, पैसा कमाने का कारण बने मात्र, उसे वो केवल बुद्धि का कचरा की संज्ञा देते रहे। पंडित जी ने विद्यार्थी उम्र में एक सभा में विद्या पर अपने कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचारों का प्रबोधन किया। विद्या ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो मनुष्य और पशु में भिन्नता पैदा करती है। आपका मानना था कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशु भी करता है और मनुष्य भी। यदि मनुष्य में विद्या नहीं है तो वह पशु ही है। आदरणीय पंडित जी साहब का शिक्षा के विषय में एक आध्यात्मिक मंतव्य था। उनका कहना है, वह शिक्षा शिक्षा नहीं
जिससे मात्र पैसा कमाने की कला सीखी जाए। पैसा तो पुण्य से प्राप्त होता है, सच्ची शिक्षा अर्थात ज्ञान उसे कहते हैं जो जीव को संसार के दुखों से हटाकर मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त कराए। सहारनपुर में आपके विद्यार्जन के समय कुछ अप्रिय प्रसंग घटे और आपने यहाँ अध्ययन करना छोड़कर बनारस तथा मुरैना में शिक्षार्जन करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता हाथ न लगी। विद्यार्जन के प्रयास में मिली असफलता के बाद पंडित कैलाश चंद्र जी लाहौर पहुंच गए और अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें सफलता भी अर्जित की। यहां रहते हुए व्यवसाय के साथ शिक्षा भी जारी रखी, हाई स्कूल और प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। पंडित जी कैलाश चंद्र जी का विवाह 19 वर्ष की आयु में विमला देवी के साथ संपन्न करा दिया गया। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आप 6 संतानों के पिता बने। पंडित जी ने अपने परिवार का निर्वाह तो किया ही, साथ ही अपने बड़े बहनोई श्री छोटे लाल जैन के देहावसान के उपरांत उनके परिवार को भी संभाला। विमला देवी से बड़े कर लौकिक रीति निभाई है, किंतु अंतर प्रेम पटल पर मुक्ति वधु ही भाई है। दिल्ली और लाहौर बुलंदशहर में करते व्यापार, इन्हीं दिनों स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था और फिर इस संग्राम के बाद भारत को स्वतंत्रता तो मिली, किंतु साथ ही देश के विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा। ऐसे में पंडित जी को अपनी कर्म भूमि लाहौर का परित्याग कर स्वदेश वापसी करनी पड़ी। आप पहले अंबाला और फिर बुलंदशहर आ बसे। व्यापार को पुनः नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ा, जिसकी परिणति आजाद ट्रेडिंग कंपनी नाम से स्टेशनरी के व्यवसाय से हुई। सन 1947 में मुझे बाबा जी पंडित कैलाश चंद जी और पिताजी श्री शीतल प्रसाद जी जैन साहब पाकिस्तान से आए थे। कुछ दिन दिल्ली में रहे थे, उसके बाद फिर बुलंदशहर में आके यहाँ पर आजाद ट्रेडिंग कंपनी ने इस नाम से किताबों का और स्टेशनरी का काम शुरू किया था, जो आज तक लगातार उनके आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से लगातार चल रहा है। मैं पिछले 64 साल से इस बाजार में काम करता हूं। मुझे आज इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि श्री कैलाश चंद जैन की 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआ कर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अभी वो और कम से कम 100 साल और जिंदा रहें, ये मेरी उनके लिए दुआ है। परम पूज्य पंडित जी श्री कैलाश चंद जी जैन के विषय में कुछ भी कहने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं उनका, पूरा परिवार मेरा आभारी है कि हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिला और हम भी धर्म के बारे में कुछ ना कुछ प्रेरित हुए। सरस्वती की अनुकंपा कुछ बिरले मनीषियों को ही प्राप्त होती है, जिन्हें पूर्वाभास होने की अपूर्व क्षमता उपलब्ध होती है। तभी तो सन 1952 में सम्मेद शिखर यात्रा करने का भाव जागृत हुआ और इस सद्विचार को
अतिशीघ्र अमल में लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा 3 महीने के समयावधि की थी और यही समय था जब आपको पूर्वाभास हुआ एक अनहोनी का। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा के उपरांत जब यात्रा संघ रवाना हो रहा था तो आपको आभास हुआ कि कोई विपदा आने वाली है, जिस वजह से आज यात्रियों की बस पलटने की संभावना है। लेकिन आपके इस पूर्वाभास को लोगों ने गंभीर रूप से नहीं लिया और इसका नतीजा यह रहा कि सभी यात्रियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन पंडित जी सुरक्षित रहे। यही वो यात्रा थी जो उन्हें उनके आराध्य के समीप ले गई और जिसने उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। जब पंडित जी का यात्रा संघ अहमदाबाद पहुंचा तो धर्मशाला के ऊपर चैत्यालय में कुछ साधर्मियों का श्री कानजी स्वामी और सोनगढ़ के संबंध में संवाद सुना। उस समय पंडित जी को एक दिव्य पुंज का आभास हुआ और विचार आया कि अवश्य ही कानजी स्वामी महान संत हैं। उस समय उनको लगा मानो अंधेरे में भटकते जीव को प्रकाश का पुंज मिल गया हो। पंडित जी बिना विलंब किए सोनगढ़ पहुंचकर गुरुदेव श्री के प्रवचन में पहुंचे, लेकिन भाषा की भिन्नता की वजह से कुछ भी समझ न आया। लेकिन यह भाव आए कि उनकी तलाश पूरी हो गई। અગ્નિ બળવા લાયક પદાર્થ ને આકારિત હોવાથી તે અગ્નિ ને બાળનાર એમ કહેવામાં આવે છે, જાણે કે પરને બાળકો હોય એમ કહેવામાં આવે છે, તો પણ દાયક સૂત્ર તેને નથી। એ અગ્નિ જે બળવા લાયક રૂપે થઈ પણ એ કઈ બળવા લાયક પદાર્થ ને કારણે અગ્નિ આકારે થઈ એમ નથી। निहार के प्रबल वेग से आप सोनगढ़ आए हैं, कहां गुरु के दर्शन से मानो निज दर्शन पाए हैं, कहां गुरु की दिव्य देशना हो, कहां गुरु की दिव्य देशना, पीते रहते थे दिन रात।